Hello everyone, welcome back to NCRT channel. Today we are going to do the science of class 7 chapter 3, fiber to fabric. What's the motive of this chapter? In this chapter, we padhne wale hain three topics ko. Iska main motive hai aapka natural fiber. Aapne class 6 mein padha tha, thoda bahut iska introduction liya tha. Phir ye 7th mein bhi topic hai. और ये टॉपिक 8th में भी है. मीन्स ये तीन क्लासेस में टॉपिक है. आपका 6th में इंट्रोडक्शन था, 7th में आपका नेचुरल फाइबर रहेगा और 8th में आपका पूरा सिंथेटिक फाइबर के बारे में है. स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. इसके अंदर नेचुरल फाइबर के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक्स पढ़ाने के लिए थोड़ा सिंथेटिक फाइबर के भी बारे में बताऊँगा. और इसके दो पार्ट होने वाले हैं, ये इसका पहला पार्ट है. तो अच्छे से पढ़िए, लेट्स स्टार्ट. सो आज हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, वूल, टाइप्स ऑफ वूल, प्रोसेस टू ऑब्टेन वूल एंड एनिमल्स दैट यील्ड वूल. अब सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो हमें जानना तो जरूरी है कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं. पिछली बार आपने पढ़ा था कि फाइबर्स वो होते हैं जिसे हम यूज करते हैं यार्न बनाने के लिए, और यार्न से हम अपने क्लोथ बनाते हैं, यानी फैब्रिक बनाते हैं. और इन फैब्रिक का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल फाइबर. अब नेचुरल फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर के अंदर टू ब्रॉड कैटेगरी होती है, एक प्लांट फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर. फाइबर के अंदर दो कैटेगरी कितनी होती है? एक तो नेचुरल फाइबर होती है और एक आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, बट यहाँ पे हम एक ही पढ़ेंगे. अब इस ये जो होता है ये आपका प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, इसके नाम ही से पता चल रहा है. और ये जो एनिमल फाइबर होता है ये आपका एनिमल से ऑब्टेन होता है, इसके नाम ही से पता चल रहा है आपको. आर्टिफिशियल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं आपके पेट्रोकेमिकल्स. अब ये पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? ये पेट्रोकेमिकल्स आपके पेट्रोलियम के केमिकल होते हैं जिससे आपका पेट्रोल बनता है. इनके एग्जाम्पल होते हैं रेयन, नायलन, पॉलिस्टर. आपने सुना होगा कि पॉलिस्टर का कपड़ा खराब है. अब इन्हें हमने क्यों बनाया अब आर्टिफिशियल फाइबर को? बिकॉज जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिली. अब ये प्लांट फाइबर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हमारा कॉटन है और जूट है. और इसका एग्जाम्पल है हमारा सिल्क और वूल. अगर आप इसके अंदर देखें तो सिल्क भी बहुत महंगा पड़ता है, वूल भी बहुत महंगा पड़ता है, एकदम नेचुरल कॉटन भी महंगा पड़ता है, जूट भी महंगा पड़ता है, क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है इनको बनने में, बहुत टाइम, इसलिए ये महंगे हैं नेचुरल फाइबर्स. लेकिन मिडिल क्लास फैमिली तो इसे अफोर्ड ईजिली नहीं कर सकती, इसलिए साइंटिस्ट ने बनाए थे आर्टिफिशियल फाइबर. ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और इनकी कॉस्ट भी नेचुरल फाइबर के मुकाबले कम होती है. आजकल ये कॉटन, जूट, सिल्क और वूल के भी पेट्रोकेमिकल से आर्टिफिशियल फाइबर्स आ गए हैं. दैट यू विल स्टडी इन क्लास 8th. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नेचुरल फाइबर. लेट अस सी व्हाट इज नेचुरल फाइबर, द प्लांट नेचुरल फाइबर. व्हाट इज दिस प्लांट नेचुरल फाइबर? अब आपने सुना होगा कि ये मैंने जो बैग लिया है ना, ये जूट का बना है. मैंने कल जो वो हैंकी लिया था ना, वो कॉटन, प्योर कॉटन था. वो देख रहे हो कपड़ा, वो फ्लैक्स सीड से बना है. सुना ये? यस, यू हैव लिसन दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. तो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं हमारे प्लांट से. इनके एग्जांपल है जूट, फ्लैक्स एंड कॉटन. अब जूट जो होता है ये आपका बनता है एक प्लांट से, जो आपने देखा होगा, ये आपका सीड से बनता है और ये आपका फ्रूट से. आप देख सकते हैं फ्लैक्स सीड, आपने सुना होगा फ्लैक्स सीड खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. यू कैन ईट इट एंड यू कैन ऑल्सो वेयर इट. वाओ, दैट्स ग्रेट. एंड कॉटन, दैट्स फ्रूट. फ्रूट्स होते हैं वाइट, दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो सॉफ्टी. एनिमल नेचुरल फाइबर. अब एनिमल भी होते हैं नेचुरल फाइबर. आपने तो पहले बस नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था, प्लांट एनिमल के बारे में तो नहीं पढ़ा था. अब पढ़ते हैं those natural fiber that are obtained from animals, जो animals obtain होते हैं. example wool. आपने सुना ओह ठंडी आ गई, मुझे तो कपड़े पहनने हैं. which type of clothes do you wear? you will wear the clothes that will trap the air, जो आपको गर्मी देंगे. and silk, you have seen your mother wearing sarees.
एंड ऑल्सो द आंटी इज टॉकिंग अबाउट इट आई हैव प्योर सिल्क आई हैव ऑल्सो प्योर सिल्क यू हैव सीन द डिस्कशन यस वही सिल्क है यहाँ पे लेकिन सिल्क सिर्फ साड़ी में यूज नहीं होता ये कुर्ता में भी यूज होता है कुर्ता पैजामा में भी यूज होता है इसलिए ये मत सोचिएगा ये बस साड़ी में यूज होता है साड़ी में भी यूज होता है इसकी बेडशीट्स भी बनाई जाती हैं और मैन एंड वुमेन की दोनों बनाई जाती है इसके कपड़े अब वूल के भी वही सेम है लेकिन वूल हमारे साड़ी में भी नहीं यूज होता ना ही कुर्ता पैजामा में यूज होता है ना ही बेडशीट में ये बस आपके किस में यूज होता है ओनली फॉर क्लोथ्स ये सिर्फ क्लोथ्स ही के लिए ओके लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर अभी सिंथेटिक फाइबर क्या है ये वो फाइबर है जो ह्यूमंस ने खुद से बनाया है दीज आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम ये आपके पेट्रोलियम से ऑप्टेन हुए हैं पेट्रोलियम जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं अब इनके एग्जाम्पल है रेयन नायलन एंड पॉलिस्टर आपने सुना होगा दैट योर दैट द रेनकोट इज मेड फ्रॉम द पॉलिस्टर सो इट कांट ऑब्जर्व द वॉटर अब पॉलिस्टर जो होता है ये क्यों उसका नाम पॉलिस्टर रखा गया आपको नहीं लगता पॉलिस्टर में कौन सा वर्ड आता है पॉलिश अगर आप इसे देखें तो ये पॉलिथिन वाला वर्ड है पॉलिथिन और ये आपका स्टर वाला वर्ड है स्टर का मीन्स कुछ नहीं होता लेकिन पॉलिस्टर का मतलब पॉलिस्टर इसके अंदर है तो इसका मतलब पॉलिथिन है रियोन आपका शाइनी होता है नायलन भी आपका शाइनी होता है बट पॉलिस्टर इज नॉट रियली शाइनिंग एंड आजकल रियोन और नायलन पॉलिस्टर से ज्यादा चलने लगे हैं सबसे पहले पॉलिस्टर ही आया था आपको पता होना चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर बिकता है वो रेयन नायलन और पॉलिस्टर ही है इनके अलावा बहुत सारे फाइबर्स हैं बट दे आर नॉट टू मच वो उतने नहीं बिकते हैं आगे आते हैं हम लोग वूल के बारे में ये वूल आपका कौन सा फाइबर होता है अभी आपने पढ़ा था यस दैट इज नेचुरल फाइबर यू आर ग्रेट आपने सही गैस किया होगा ये नेचुरल फाइबर ही है लेट अस स्टडी अबाउट इट इट इज अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स ये आपका नेचुरल फाइबर जो एनिमल्स ऑब्टेन होता है दीज फाइबर ट्रैप एयर एंड मेक अस फील वार्म ये ट्रैप एयर करते हो हमें वार्म फील कराते हैं कैसे ये आपको ट्रैप करते हैं जैसे कि आपकी बाहर की ठंड हवा आ रही होगी वो अपने बीच के जैसे कि ये आपका फाइबर है दिस फाइबर अब ये आपका इधर से आपने पहन रखा है और इधर से हवा आ रही है तो इसी के बीच में ट्रैप हो जाएगा इधर ही ट्रैप हो जाएगा अगर आप नहीं समझे तो मैं एक और बार समझा देता हूँ डिफरेंट कलर्स यूज करके देखिए जैसे कि ये आपका फाइबर हुआ ठीक है यहाँ पे हमने 6 ब्लॉक्स बनाए अब इधर से आपकी हवा आ रही है और ऐसे आपका फाइबर बना हुआ है हवा तो आ ही रही है आपकी अब ये हवा इधर एंटर होगी बस बाहर ही एंटर होगी और ये जो आपका बीच वाला पोर्शन होगा इसे ट्रैप कर लेगा यहाँ पे हवा को और यहाँ पे नहीं आने देगा जहाँ पे आपकी बॉडी है और यहाँ पे आपको वार्म फील होगी और इसके बारे में आप चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे कि कौन सा वूल किस काम का होता है मतलब वो हीट वाला चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में और भी और आपको समझ में आ जाएगा और ये फाइबर अफोर्डेबल भी है मतलब ये उतना भी कॉस्टली नहीं है जितना सिल्क है अगर आप सिल्क की प्राइस निकालें तो वो हो जाएगा 15,000 आपने सुना ना मम्मी को 15,000 और अगर आप प्योर वूल की भी कॉस्ट निकालें तो 1,000 हो ही जाता है स्वेटर लेकिन आपका ये अफोर्डेबल है ये उसके अंदर आप कुछ पेट्रोल केमिकल्स भी मिलते हैं मैंने बोला आप क्लास 8 में उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट कम टू वूल ईटिंग एनिमल्स आज हम पढ़ेंगे वूल के बारे में और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिल्क और वूल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में दोनों का बनने का तरीका पढ़ेंगे अब हम देखते हैं कि वूल को कौन से एनिमल्स मतलब यील्ड करते हैं किससे मिलता है हमें ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री अ मेन सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग वूल आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री नंबर 1 पर है वूल ऑब्टेन करने पर नंबर 2 पे तिब्बत है और चाइना भी है शायद इसी लिस्ट में ये जो है ये मेन सोर्स है ऑब्टेनिंग वूल का जो शीप है अब हमारा पहला एनिमल है शीप शीप जो है वो मोस्ट कॉमन एनिमल है आपने सुना होगा शीप आप बचपन से पढ़ते आ रहे कि वूल देती है बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल्स आपने पढ़ा होगा दैट ईल्ड वूल जो ईल्ड कर दिया वूल अब याक वूल क्या होता है जो ऑप्टेन होता है हमारे याक से
याक एक आपका एनिमल होता है, ये मेल एनिमल होता है, मेल एनिमल मोस्ट कॉमन होता है ये याक तिब्बत में और लद्दाख में। नेक्स्ट इज अंगोरा वूल। ये अंगोरा वूल क्या होता है आखिरकार, आपने कभी सुना है इसका नाम? नहीं ना, आपने सुना होगा तो मुश्किल से सुना होगा वूल का, शीप का या फिर याक का। अब हम पढ़ेंगे और भी सारे एनिमल्स जो यील्ड करते हैं वूल को। तो ये अंगोरा जो होता है एक प्रकार की गोट होती है। ये अंगोरा गोट जो होती है फाउंड होती है हिली रीजन्स में और सबसे ज्यादा मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट विच इज वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। जो अंडर फर होता है, नीचे वाला फर होता है, वो कश्मीरी गोट का बहुत सॉफ्ट होता है और वुवन होता है फाइन शॉल्स के अंदर, जिसे हम पश्मीना शॉल भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कैमल्स के बारे में। कैमल्स द फर यानी उनके हेयर इज यूज्ड एज वूल, इसे यूज करते हैं हम लोग वूल की तरह। जैसे ये अगर माय ड्राइंग इज नॉट गुड प्लीज डोंट जज इट, आई एम ड्राइंग अमीबा और व्हाट। ओके सपोज दिस इज एन, it is looking like mouse or amoeba, please understand it is camel. The fur there, here above his hump on its fur is used as hair which is used as wool. Okay, let us move to the next slide, that is llama and alpaca. ये क्या है, ये तो नए, आपको नए नाम सुनाई दे रहे हैं, है ना, पढ़ा है कभी इनके बारे में? नहीं। ये जो होते हैं साउथ अमेरिका में फाउंड होते हैं और ये एक तरह के मतलब कैमल्स भी, कैमल है, कैमल की भी प्रजाति के हैं, गोट के भी प्रजाति के हैं, शीप, ये मतलब मिक्सचर है ये तीनों के। आई विल शो द पिक्चर नेक्स्ट टाइम बेटर। और ये जल्दी एक्सटेंट भी होने वाले हैं। So that it was for today. I hope you enjoy this video and you got to learn from this educational video. If you understood and learn anything from this video, please share with your friends. They can also learn with you. And that's it for today. We will meet you soon in the next video. Till then, bye bye. Thank you.